अगर एक एलिमेंट ए का ऑर्डर 3 हो तो ए और ए इनवर्स में क्या संबंध होगी। ए का ऑर्डर अगर 3 है का मतलब है 3 सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर होगी ताकि ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब है ए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए क्यूब आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट, कैंसलेशन लॉ से ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 2 और 3 आपस में कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हो गया ए ए स्क्वायर ए क्यूब सब अलग अलग एलिमेंट है। तो एक से हमको मिलेगा ए स्क्वायर ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ऑपरेशन ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब हो गया ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स नॉट इक्वल टू ए।